बहुत नफा होगा, बहुत फायदा होगा। आवाज तो पहुंच जाएगी लेकिन अल्लाह का कदर नहीं है बंदे की। आगे बढ़ना अल्लाह की इज्जत करना, जो आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ा सकता। आज माशाल्लाह पूरा मिलकर और आज सामने بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك الصديق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मैं समझूंगा अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाया। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा एहसान है। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह का खूब शुक्र अदा करें, इसलिए अदा में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह का शुक्रिया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी नियमतों से अल्लाह ने नवाजा है। बेशुमार अनगिनत नेमत अल्लाह का अपने अता फरमाई है। हम बार बार इन बातों को सुनते हैं कि पूरी दुनिया को जमीन है, पूरी जमीन को कागज़ बना दी जाता है और दुनिया में जितने दरख्त थे इसकी कलम बना ली जाते हैं और दुनिया में जितना पानी इसकी साय बना ली जाते हैं और अल्लाह की नियामतों को शुमार करना शुरू करें, गिनना शुरू करें तो एक दिन ऐसा आएगा कागज़ खत्म हो जाएंगे, साय खत्म हो जाएगी, कलम खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते। इतने अल्लाह ने नियामतों से हमें नवाजा है और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, सबसे बड़े अल्लाह की नियामत है। ईमान का नहीं जाना बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है, अल्लाह ने अता फरमाया अल्लाह ने हम सबको ईमान अता फरमाया। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान के साथ साथ ईमान की मेहनत के लिए कबूल फरमाया, ये दूसरा इनाम। दुनिया की जितनी नियामतें हैं तो मौत के झटके पर खत्म होने वाली है। आदमी मर गया दुनिया की नियामतें साथ छोड़ देगी, लेकिन ईमान एक ऐसी नियामत है, दीन की मेहनत एक ऐसी नियामत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम की उम्मत में पैदा होना है अल्लाह की कैसी नियामत है कि जो मरने के बाद भी काम लगने वाली है। इतनी बेशुमार नियामत है दुनिया और आखिरत की। दुनिया की जिंदगी भी अच्छी बन जावे, आखिरत की जिंदगी भी अच्छी बन जावे, इन दोनों नियामतों से अल्लाह ने हमें मालामाल फरमाया है तो हम पर हक बनता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर नियामत का शुक्र। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं शुक्र तीन तरह का है, एक है जबानी शुक्र अदा कर रहे आदमी, एक है दिल से शुक्र अदा करे और एक असल शुक्रिया का, वो क्या है अमली शुक्रिया का। क्या आदमी अमली शुक्रिया अदा करे कि असल शुक्रिया अदा है कि अल्लाह ने मुझे आंख दी है। अब आदमी किसी अंधे को देखकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जबान का हो गया। अब किसी अंधे को ऐसी तकलीफ में देखे तो आदमी दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह तआला एहसान है कि तूने मुझे अंधा नहीं बनाया वरना मैं भी ऐसा मोहताज हो जाता। और एक है मेरे भाइयों अमली शुक्रिया था कि आप जहां इस्तेमाल करने को कहा है वहां करे और जहां से बचने को कहा वहां बच जावे, ये असल शुक्रिया था है। ये हो गया आपका जिक्र, हम जो जिक्र कहते हैं ना, आपका जिक्र कि अल्लाह की इताअत पर आपको इस्तेमाल करना और अल्लाह की नाफरमानी से आंखों को बचा लेना, ये आंख का जिक्र है। ऐसे जबान का जिक्र का जिन चीजों में इस्तेमाल करने को कहा वहां इस्तेमाल हो और जिन चीजों से मना किया गया इससे बच जाओ, गिबा झूठ किसी को धोखा देना जबान से आपको बोलता है। अब इन चीजों से बचे कि मेरे जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, अबे जबान का अमली शुक्रिया अदा हो गया।
ऐसा तो भूला नहीं है मेरे भाई, हमारी शुक्रिया था हमारी जिंदगी में आ गया। ईमान का हमारी शुक्रिया था क्या है, अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। ईमान का हमारी शुक्रिया था ये है कि आदमी पूरी जिंदगी ईमान के दायरे के मुताबिक गुजारे, ईमान के दायरे के मुताबिक ईमानी जिंदगी बने, ईमानी जिंदगी, इसका उठना, उसका बैठना, इसका खाना, इसका पीना, कमाना, शादी, मौत, बिया, गमी, खुशी, ये तमाम की तमाम चीजें ईमान के दायरे में हो, जो मकसूद है, जो बात चाही जा रही है, का ईमान की नियामत का शुक्रिया अदा हो रहा है, अमल शुक्रिया अदा हो रहा है, इस पर अल्लाह कह देंगे कि अल्लाह फरमाता है खुदा का मफहूम है कि जो हमारी नियामतों का शुक्र अदा करेगा हम इनकी नियामतों में इजाफा करेंगे, और जो नाशुक्री करेगा हमारा आदाब बहुत सख्त है। अब तक शुक्र अदा किया गया है, अब अल्लाह इन नियामतों के शुक्रिया अदा की बुनियाद पर अल्लाह नियामतों में इजाफा करेगा, नियामत करेगी। और हम बारह वाक्य सुनते बनी इसराइल के एक आदमी का, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक मालदार आदमी मिला, अकाल अल्लाह को मिलने जा रहे हैं, जो अल्लाह को कहना उस पर नियामत अल्लाह बहुत कम कर दे, बहुत नियामत हो गई है, बहुत नियामत दी है ना, अब ऐसा करो कि अल्लाह को मैं नियामत खुद कम कर दे, बहुत हो गया। आगे गए, दूसरा आदमी मिला, सिर्फ बदन पर लूंगी थी, उसने कहा भाई क्या बात है, अल्लाह को कहना मेरी नियामतों में इजाफा करे, मैं बहुत हालात में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तंगी में हूँ। अब गए अल्लाह पाक सर्च किया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लुंगी वाला था ना इसको कहो कि मेरा शुक्र अदा करे, वो शुक्र अदा करेगा, हम नियामतों में इजाफा करेंगे, और जो मानता है इसको कहो ना शुक्री करे, जब वो ना शुक्री करेगा तो नियामतें खुद का खुद कम होना शुरू हो जाएगी। अब उस आए वो मिला लुंगी वाले को, क्या कहा अल्लाह ने, गरीब आदमी मिला, अल्लाह ने कहा कि शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुझे दिया है क्या मैं शुक्र अदा करूं, एक हवा आई जो लुंगी थी ना बंदी वो भी उड़कर छुटकर चली गई, मैं लुंगी दी थी तो शुक्र करता, अल्लाह के एहसान अल्लाह ने मुझे लुंगी दी है तो अल्लाह कुर्ता देता, नियामतों की ना शुक्री ना हो, जब ना शुक्री होती है, अब सबसे बड़ी ना शुक्री ये है कि नियामतों का इसमें इस्तेमाल किया जावे जिसमें अल्लाह नाराज होते हो, अल्लाह ने माल दिया है बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है, जब ये माल अल्लाह की नाराजगी में इस्तेमाल होता है तो माल की नियामत का ना शुक्री जब ना शुक्री होते क्या होगा, फिर ये माल खैर का जरिया नहीं बनता, ये माल व्यापार का जरिया बनता है। अब वो आदमी भी का जो नियामत है उस वक्त वो अंगूर खा रहा था, तो अल्लाह पाक ने क्या कहा, अब तुम अल्लाह की नियामतों की ना शुक्री शुरू कर दो, वो कहने लगा मैं मेरे अल्लाह की ना शुक्री ये मुझसे नहीं हो सकती, ये कहते हुए इसके हाथ में जो अंगूर था वो नीचे गिरा, नीचे गिरने से पहले वो सोने का बन गया, नियामत का शुक्रिया था, इस पर अल्लाह पाक नवाजते हैं, का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा है मेरे भाइयों कि हम जो अल्लाह ने नियामत दे दी है इन नियामतों को जहां अल्लाह ने इस्तेमाल करने को कहा वहां इस्तेमाल करें, और जहां से बचने को कहा बचाए, सबसे बड़ा जिक्र है, ये सबसे बड़ा जिक्र है। और जिक्र से मकसद क्या है, मामूलात की बाबत में देखो दावत की मुबारक मेहनत में इज्तिमाई इंफरादी अमल बताए हैं, खाली इज्तिमाई नहीं बताए हैं, इज्तिमाई और इंफरादी अमल दोनों का जोड़ है, इन दोनों के जोड़ों को जो है इन दोनों के साथ जब दीन की मेहनत की जाएगी अल्लाह पाक इसकी भी तरबियत करेंगे और इसके जरिए अल्लाह पाक हजारों की तरबियत फरमाएंगे, दोनों का जोड़ इस्तेमाल ने फरमाया करता क्योंकि इज्तिमाई अमल इज्तिमाई अमल और इज्तिमाई अमल की फिक्र में हम इंफरादी अमल को छोड़ देते हैं, इंफरादी अमल की तरतीब आगे पीछे होगी लेकिन छोड़ना मकसूद नहीं है, पाबंदी पर मिलता है इस्तेकामत में मिलता है, इसलिए आता है ना जो बंदा 40 दिन तक पाबंदी के साथ जो अमल करता है तो 40 दिन के बाद उस अमल का उसको नूर मिलता है, पाबंदी इस्तेकामत छोड़ना नहीं है, 40 दिन पाबंदी के साथ जो अमल करता है तो फिर अल्लाह पाक उसको 40 दिन के बाद उस अमल का नूर मिलता है,
फिर इस्तेकामत रखता है तो इखलास अता फरमाते हैं, और फिर इखलास के बाद इस्तेकामत होती है तो फिर अल्लाह कबूलियत दे देते हैं अमल में, अल्लाह के अमल पर कबूल हो जाता है। इस्तेकामत पर हम बहुत चीज मिलती है। इस्तेकामत कहते हैं हजार करामतों से बेहतर है, अफजल है। हम अपने आप को पागल बनावे जो मामूलत बताए जा रहे हैं, जो तस्बीहात, कुरान पाक की तिलावत, सुन्नतों का अहतमाम, दुआओं का अहतमाम, इन तमाम चीजों की पाबंदी, मस्तन दुआओं का अहतमाम इस्तेकामत के साथ जब पाबंदी के साथ किया जाएगा तो फिर वो चीज नफा पहुंचाएगा, फिर वो चीज दावत में असर करेगी। लेकिन पेट्रोल नहीं है तो बोलो चलेगी या नहीं चलेगी। इंफ्रादी अमल जो बताए जा रहे हैं वो इंफ्रादी अमल दावत की गाड़ी का पेट्रोल है, इसका खूब एहतमाम हो, उसके बड़े बड़े फजाए हैं, बड़े बड़े फजाए रखे गए हैं कि जिक्र के अहतमाम पर क्या मिलेगा। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह के जिक्र करने की बुनियाद पर और अमाल की पाबंदी की बुनियाद पर इसके अंदर अल्लाह का ध्यान आता है, जो सबसे बड़ी बात है, बुनियादी चीज है कि अल्लाह का ध्यान। जिसको अल्लाह का ध्यान नसीब हो गया मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नियामत अल्लाह किसको मिल गई है। जिक्र से मकसद यही है कि अल्लाह का जिक्र, जिक्र का माना यह है अल्लाह को याद रखना। 24 घंटे मेरे अंदर ये कैफियत बन जावे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, 24 घंटे ये कैफियत मेरी बने कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये बात पैदा हो जाएगी तो आदमी हर गुनाह से बचेगा, हर गुनाह से। इसके दिल में तो अल्लाह का ध्यान है, अल्लाह का खौफ है। जब अल्लाह का ध्यान नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता तो आदमी बेधड़क गुनाह कर लेता है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ईमान की हिफाजत, जब अल्लाह का खौफ आता है फिर गुनाह से बचता है तो ईमान की हिफाजत होती है, और जिसकी ईमान की हिफाजत हो गई ये कामयाब है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अल्लाह का जिक्र करते करते अपने अंदर वो ध्यान जमाया कि 24 घंटे इनके सामने बात होती थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अल्लाह वाले ने बहुत अजीब बात बताई, एक आदमी मस्जिद में और जिक्र कर रहा है लेकिन इसका भी अल्लाह के ध्यान से गाफिल है, और एक आदमी दुकान पर बैठा है, बाजार में बैठा है, और बाजार में बैठकर घरात आया है, गैर महरम औरत है, वो अपनी नीची निगाह करके उस औरत को जो है बता रहा है, साड़ी वगैरह जो भी है, ये सबसे बड़ा जाकिर आदमी है, दुकान में बैठा हुआ कि वो ध्यान जमा कर कारोबार कर रहा है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। एक कैफियत आवे हमारे हर वक्त हर घड़ी, और ये बात पैदा होती है मेरे भाइयों जिक्र की पाबंदी की बुनियाद पर। हम जिक्र का जितनी पाबंदी करेंगे इस पाबंदी की बुनियाद पर हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाएगा, फिर आदमी 24 घंटे जाकिरीन में सुमार हो। इसलिए कहते हैं ना हदीसे पाक का खुलासा मफहूम है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इसमें से एक दरवाजा जाकिरीन के लिए है। हदीस में आता है खुलासा मफहूम है, जिक्र करने वाला जन्नत में हंसता हुआ दाखिल होगा। तो कौन जाकिरीन? क्या वो जो 24 घंटे इसके अंदर ही बात है, हालांकि दुकान पर बैठा है, अब दुकान पर बैठे बैठे जाकिरीन है, इसके दिल में अल्लाह का ध्यान है। घर में है, बीवी बच्चों के साथ है, लेकिन बीवी बच्चों के साथ रहते हुए जाकिरीन है, क्या बात है? क्या वहां रहते हुए इसके अंदर ध्यान पैदा है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अब जाकिरीन बन गया। ये कब बात पैदा होती मेरे भाइयों? ये बात पैदा होती है जो हमारे बड़े बताते हैं इन तस्बीहात और मामूलात की पाबंदी की बुनियाद पर। जब आदमी इस्तेकामत के साथ पाबंदी के साथ ये करता है तो इसके अंदर ये बात अल्लाह पैदा कर देते हैं और इसके अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जमाने में वो फिजा बनी थी, बच्चे बच्चे को ध्यान था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मालिक को ये ध्यान था अल्लाह मुझे देख रहा है,
बड़े के बड़े से बड़े सरदार को बात ध्यान में थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए जब खलीफा बने उमर का सिद्दीक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तो क्या बात थी कि रातों को हिफाजती बस करते थे, क्या बुनियाद थी? यही बुनियाद थी कि अल्लाह देख रहा है और कयामत के दिन अल्लाह के मुझे हिसाब देना है। रातों की नींद उड़ गई, हिफाजती गस हो रहे रातों को, अमन अमान का अल्लाह ने मामला क्या कर दिया के साथ, अमन अमान हो गया। क्या बुनियाद बनी अमन अमान की? हर एक के अंदर अल्लाह का ध्यान है, हर एक डर रहा है किसी को तकलीफ पहुंचाने से, तो ये अल्लाह के यहाँ आना है, अल्लाह के अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। वो ध्यान पैदा हो गया कि बकरी चराने वाला जंगल में दे रहा है फैन, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे, हालांकि वहां कोई नहीं देखने वाला था, वो भी इम्तिहान ले रहे थे। मुझे देख रहा, अब वहां ध्यान पैदा है, अब जंगल में कोई नहीं देख रहा है, बकरी दे देता आकर कह देता भैया खा गया, कौन पूछने वाला था, लेकिन नहीं नहीं मेरा अल्लाह कहाँ चला जाएगा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अब आप उस गुनाह से बच गया, वहां वो बचे हैं, भूखे हैं और भूख की हालत में वो जो लुकमा चला गया, फिर कहा हजरत आपने तहकीक नहीं की, रोजाना पूछते थे कि भूख की शिद्दत की वजह से मैं क्या बोलते इस तरह आया था शक वाला, तो क्या बुनियाद बनी, क्यों पानी पी पी कर के आएगी, अल्लाह का ध्यान था। मैं इस हाल में चला गया, मैं अपना अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अपना अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे मेरे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस अल्लाह के बात के, इस अल्लाह के ध्यान ने और इनकी कैफियत ने इन्होंने पानी पी पी कर उस लुकमे को बाहर निकाला है। कसम खा के कह रहे गए लुकमा और वो सिद्दीक रजी जान के साथ निकलता तो वो पर अपनी जान दे देते, लेकिन इस लुकमे को बाहर निकालते। वो अंदर की कैफियत बनती है जब अल्लाह का ध्यान आदमी के अंदर आता है। ये ध्यान लाने के लिए तस्बीहा का इंतजाम अल्लाह वाले फरमाते हैं, रोजाना पाबंदी के साथ इन्हें चलते फिरते तस्बीहा पूरी करें, बल्कि अल्लाह का ध्यान जमा कर बावजूद किबला रुख बैठकर जो तस्बीह पढ़ी जाती है, इस तस्बीह के बड़े नफे हैं। हम तस्बीह पढ़ लेते हैं लेकिन चलते फिरते पढ़ते हैं, ये भी नफे से खाली नहीं है कि आदमी जितना जिक्र करेगा इसकी जबान इतनी देर गिबस से झूठ से लगभग बचता रहेगा है। नफा तो है ही है, लेकिन ज्यादा नफा उस वक्त होता है जब बंदा जो है किबला रुख बैठकर बावजू अल्लाह का ध्यान जमा कर कि मेरे जिक्र को मेरा अल्लाह सुन रहा है। इस कैफियत के साथ जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो फिर ये बात अंदर पैदा होती है कि फिर आदमी के अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाता है, ये बुनियाद बनती है उस वक्त। इसलिए माशाल्लाह हम इन जो तस्बीहात की जो पाबंदी बताई जा रही है इनकी हम पाबंदी करें। माइन साहब दामो रखम तो लिखा गया कैसे निजामुद्दीन के अंदर पौना घंटा तस्बीह में लगाते थे, एक पौना घंटा किबला रुख बैठकर पौना घंटा तस्बीह का इंतजाम कर रहे हैं। यूं नहीं बता रहे हो आप, इसके जरिए बहुत तरक्की कर जाता है। जिन्हें बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब आलम मर्तबा पर पहुंच गए तो इनके हाथ में किसी ने तस्बीह देखी, कहा हजरत आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, इसकी बरकत से यहां पहुंचा हूं उसको कैसे छोड़ दूं भाई। तस्बीह के अहतमाम पर आदमी अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इसे जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है ना तो क्या होता है कि फिर आसमान में ऐलान करता है अल्लाह पाक फला इतने फला मेरा बंदा है, तुम सब इससे मोहब्बत करो, फिर सब इससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर इसकी महबूबियत दुनिया में दी जाती है, हर एक इससे मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। क्या ये आदमी किसका अल्लाह का भी हो गया है, अल्लाह कह रहा है कि मेरा आदमी है, और जो अल्लाह का आदमी हो गया तो बोलो पूरी मखलूक उसको नफा पहुंचाने की फिक्र करेगी, क्या बात बनी, या तो बोले अल्लाह का आदमी है। ये जिक्र की बुनियाद पर मिलता है।
इसलिए भाइयों तीन तीन तस्बीह का अहतमाम जो अल्लाह वाले बताते हैं, तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिगफार है, इन तस्बीहात का अहतमाम किया जाए और सरसरी तौर पर नहीं, मेहनत के साथ साथ जितनी हम इंफादी अमल की पाबंदी होगी ना इतनी हमारी दावत में असर रहेगी। इसलिए मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि भाई बेअमल दाई की दावत बकवास है, बेअमल दाई की दावत क्या है बोलो, इन जितने की बरकत से अल्लाह पाक हमारी दावत में असर पैदा करेगा, हमें भी नफा होगा, सामने वालों को अल्लाह पाक नफा अता फरमाएंगे। इसलिए किबला रुख बैठकर इन तीन तीन तस्बीह का अहतमाम हो, तीसरा कलमा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जो एक कलमा बताया जा रहा है ना, ये चार कलमा अल्लाह वाले फरमाते हैं ये चारों चार कलमे पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा बताए चार कलमे, पूरे कुरान का खुलासा। और कितनी बड़ी बात है जिस बंदा खुलासा मौसम में जब बंदा यह सुभान अल्लाह कहता है तो वो सुभान अल्लाह अल्लाह के अर्श के पास जाकर इसका नाम बोलता है। जैसे किसी अब्दुल्लाह ने सुभान अल्लाह कहा तो वो नाम वो सुभान अल्लाह अल्लाह के अर्श के बीच जाकर और अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह इसका नाम बोला जा रहा है अल्लाह के दरबार में अर्श के करीब। जरा सोचिए कहीं तस्बीहात का मैं अहतमाम करूंगा, 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा ये चारों कलमे। अब कहते हैं रोजाना 800 मरतबा मेरा नाम अल्लाह के यहां बोला जाएगा, कितनी बड़ी खैर, कितनी बड़ी भलाई, कितनी बड़ी खुशकिस्मती। इसलिए आदमी किबला रुख बैठकर मोहताज बनकर बावजू इससे बहुत नफा होता है। जब आदमी सुभान अल्लाह कहे तो ये सोचे मैं नापाक हूं, दुनिया की सारी चीज नापाक है, अल्लाह हर ऐसे पाक है, ये ध्यान जमा कर अल्लाह का जिक्र किया जाए। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो दिल में बात जमावे मैं तारीफ के लायक नहीं, दुनिया की कोई चीज तारीफ के लायक नहीं है, तारीफ के लायक तो अल्लाह की एक जात है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो ये ध्यान जमा कर मुझसे कुछ नहीं होता, दुनिया की तमाम चीजों से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाले एक अल्लाह है। जब अल्लाह अकबर कहा जावे तो आदमी छोटे मैं सबसे छोटा, दुनिया की हर चीज छोटी, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये ध्यान जमा कर तस्बीह पढ़िया। और जब ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम पढ़े तो ये सोचे कि ये जिक्र करने की तौफीक मेरे अल्लाह की तरफ से मिली है, मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है। अब अंदर अल्लाह का ध्यान आएगा, ये तस्बीह इसकी जिंदगी बदलेगी, ये ध्यान जमा कर अल्लाह का जिक्र किया जावे बहुत नफा होगा इसके जरिए। दूसरी बात बताए मेरे भाइयों दुरूद शरीफ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने सारे एहसानात हैं, हम कहते हैं पूरी जिंदगी कौन बैठकर दुरूद शरीफ पढ़े तब भी अल्लाह जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं चुका सकते, हमें तो कितना पढ़ना चाहिए और कितने फजाइल है दुरूद पाक के, बड़े बड़े फजाइल हादिस में आए हैं। जब दुरूद शरीफ पढ़े तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करके पढ़ा जाए, आका ताइफ का किस्सा हर एक को पता है, ताइफ में गए पत्थर मारे जा रहे हैं, ये ध्यान जमा कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा जाएगा तो अल्लाह उसको कबूल कर लेंगे, दुरूद शरीफ कैसा अमल है लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा जा रहा है अल्लाह उसको कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह को दुरूद शरीफ पढ़ना कितना पसंद होगा। और हम पर हक बनता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम दुरूद पाक सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ पढ़े पाबंदी के साथ। इन मामूलात की पाबंदी का आदमी को बहुत कुछ फिर हासिल होता है। फिर तीसरी चीज बताए मेरे भाइयों इस्तगफार है, इस्तगफार हम सब के लिए बहुत जरूरी है, बड़े फायदे हैं इस्तगफार के, इस्तगफार रोजी को ऐसा खींचती है जैसा वो लोह चुंबक लोहे को खींचता है। शिकायत है तंगी की, इस्तगफार की कसरत की जा रही हदीस में तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है।
लेकिन हमारी तौबा जब इस्तग़फार करें तो नदामत हो हमारे गुनाहों पर, हम अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोए और माफी मांगे, और आइंदा का अज़म हो कि इंशाअल्लाह आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करूंगा। खाली अस्तग़फिरुल्लाह बोलना मकसूद ना हो, सही नदामत के साथ, सही नदामत के साथ अपने गुनाह को याद करके इस्तग़फार करना, अल्लाह से माफी मांगना। हदीस में आता है फलसफा मफहूम है, जो आदमी फजर बाद और असर बाद तीन मरतबा इस्तग़फार कर लेता है, का समंदर के झाग के बराबर गुनाह होंगे, अल्लाह पाक इन गुनाहों को माफ कर देंगे। मैं कौन सा इस्तग़फार, नदामत के साथ, आइंदा के अज़म के साथ, इंशाअल्लाह आइंदा में कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह खुश होते हैं तौबा करने वालों पर। इसलिए किस्सा आता है कुरान में, अल्लाह ने कहा इस तौबा का मफहूम है, तौबा करो ऐसे ऐसे नसूहा ने की। नसूह एक आदमी था मर्द, लेकिन जो है औरतों जैसी इसकी सब तो सब उसको औरत समझते थे, था लेकिन मर्द। तो उसका काम क्या था, वो बादशाह की रानियों को नहलाता था, बादशाह की जो रानियां थी इनको नहलाता था। तो जाहिर बात था मर्द था, तो बादशाह की रानियों को मजाता थे और ये अपनी शोहरत पूरी करता था इस अंदाज से। एक दिन एक बादशाह की रानी का हार गुम हो गया। अब बादशाह ने ऐलान किया कोई अंदर का बाहर ना जावे, बाहर का अंदर का बाहर ना जावे, बाहर का अंदर ना आवे, सारे दरवाजे बंद, मर्दों को मर्दों चेक कर रहे, औरतों को औरतें चेक कर रही। अब नसुआ का हाथ मारे गए, आज हमारी पोल बाहर पड़ जाएंगे, आज सूढ़ी पर चढ़ जाएंगे। अब उसने दिल में किसी को कुछ नहीं बताया है, दिल में तौबा कर रहा है, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू बचा ले, आइंदा अल्लाह गुनाह का कभी नहीं करूंगा, सच्चे दिल से। हालांकि इतने सालों से काम कर रहा था, ये गुनाह कर रहा था, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से तलब से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको माफ कर दिया। इसका नंबर आने वाला था कि ऐलान होगा कि हार भी गया, लेकिन नसूहा ने वो काम छोड़ दिया, फिर छोड़कर चला गया महल। फिर बादशाह ने बहुत तलब किया, रानी ने बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो कभी नहीं, मैंने अल्लाह के लिए तौबा कर लिया, अपने नहीं जाऊंगा। ऐसी से अल्लाह इसकी तौबा ऐसी पसंद आई कि कुरान में कह दिया इसका खुलासा मफहूम है, तौबा करो जैसे नसूहा ने की। हमारी तौबा ऐसी तौबा हो, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगी जावे। अल्लाह पाक गफूर रहीम है, अल्लाह तो चाहते ही मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे, मैं उसको माफ कर दूं। इसलिए तो अल्लाह ने इस्तग़फार दिया है बंदों को माफ करने के लिए, कि बंदों को मैं माफ करूं, इसलिए अल्लाह ने इस्तग़फार दिया है। लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है, इसलिए सुबह शाम 100 मरतबा हम बारह सुनते हैं हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना एक बैठक में 70-80 मरतबा इस्तग़फार करते थे। एक एक बैठक से बैठे हैं, एक बैठक में 70-80 मरतबा इस्तग़फार कर लेते थे। बक्से बक्साए थे तो हमें तो कितना इस्तग़फार करना चाहिए। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अज्मईन अपने तस्बीहात के पाबंद थे। अबू हुरैरा, अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला का हजरत शेख ने लिखा है कि एक धागा था, इस धागे पर 1000 घिरे थी, जब तक वो 1000 मरतबा इस्तग़फार, या तो 12000 है, जब तक वो न पल लेते थे वहां तक न सोते थे। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अज्मईन पाबंद थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला एक तस्बीह के पाबंद थे। वो कहने लगे एक मरतबा मेरी तस्बीह कभी नहीं छूटी। तो किसी ने कहा हजरत जंगे सिफिन पर उस वक्त आपको मौका नहीं मिला था, आप तो घोड़े पर ही घोड़े पर थे, उस वक्त की तक उस वक्त में मैंने घोड़े पर भी वो तस्बीह पूरी की है, पाबंदी पर मेरा भाई मिलता है। इसलिए हम सब नियत करें इंशाअल्लाह इन तीन तस्बीह का खूब एहतमाम पाबंदी के साथ करना है। जब इन तस्बीहात का एहतमाम होगा और दीन की मेहनत होगी, फिर अल्लाह पाक हमें तरक्की देंगे दुनिया और आखिरत के बाद से, अल्लाह पाक नवाजने के फैसले करेंगे। दूसरी बात बताएं मेरे भाइयों, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम है, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम, बड़े फजाइल हैं। एक अल्लाह वाले ने अजीब बात बताई, जिससे अल्लाह नाराज होते हैं ऐसे अल्लाह पाक कुरान पाक की तिलावत की तौफीक छीन लेते हैं। मामूली बात नहीं है, बहुत समझने की बात है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के रोजाना पढ़ने के पाबंद थे। हाँ, तो सहाबा में लिखा है
एक मर्तबा मेहमान आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त की कि मेहमान आए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ठहरे रखो, अब मेरा कुरान का पढ़ना बाकी है, मैं अपना कुरान का पढ़ने का मामूल पूरा करके इनको मिलने के लिए आता हूँ। एक मर्तबा सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ईसा के बाद इंतजार में है, आकाश वास्तव थोड़ी देर से आए, आके कहने लगे आज मेरे कुरान का पढ़ने का मामूल बाकी था, मेरा दिल न चाहा कि उसको पढ़े बगैर मैं आपको मिलने के लिए आऊं। आकाश वास्तव हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह वास्तव कहते कुरान के पढ़ने का रोजाना अपने आप को पागल बनाया था, तो मेरे भाई मेरा कौन सी खेती मिली है, हमें तो रोजाना पाबंदी के साथ कुरान पाक की तिलावत का इंतजाम किया जाए। इसलिए कहते हैं जो आवाम है, आवाम रोजाना एक पारा कुरान पाक की तिलावत का इंतजाम करे, और हाफिज है वो तीन पारे पाबंदी के साथ पढ़े। रोजाना कुछ ना कुछ तो कुरान पढ़ना ही चाहिए कि इस कुरान के पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह का कुर्ब मिलता है। माइला साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे तहज्जुद में कुरान देख कर पढ़ना सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक होने का जरिया है, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होने का जरिया है तहज्जुद में कुरान देखकर पढ़ना। और जब हम कुरान पढ़े अपने हिदायत की नियत से पढ़े कि अल्लाह तू मुझे अल्लाह कुरान हिदायत की किताब है, मेरी मुकद्दर की हिदायत तू मुझे अता फरमा दे, इन नियत के साथ कुरान पढ़ा जाए। और जब अल्लाह वाले कुरान पढ़ते थे हजरत शेख ने लिखा है ना अजमत के साथ हादा कलामु रब्बी हादा कलामु रब्बी, ये तो मेरा रब का कलाम है, ये तो मेरा रब का कलाम है, एक कहकर बेहोश होकर गिर जाते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इतना कुरान के पढ़ने का एहतमाम था कि इनकी जिंदगी में दो कुरान शरीफ फटे थे, दो कुरान शरीफ फट गए, इतने पाबंद थे कुरान के पढ़ने के। हम रमजान तो रमजान होते रोजाना मामूल बनाया जावे कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम हो, इंशाअल्लाह इसके जरिए बहुत नफा बहुत फायदा होगा। तीसरी बात बताएं मेरे भाइयों मस्नून दुआओं का अहतमाम हो, मौका महल की मस्नून दुआएं, ये जो बताए ना 151 दुआ की किताब है, इन दुआओं को याद कर कर मौका महल की दुआओं का अहतमाम होगा, हमारी पूरी 24 घंटे की जिंदगी जिक्र वाली बन जाएगी। इन दुआओं ने रास्ता कर लिया है, हम जो दुआएं मांगे थी ने उसके तो रास्ता करना पड़ेगा, ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दुआओं की पाबंदी की है, इन दुआओं को हम पढ़े डायरेक्ट रास्ता कबूलियत। मस्नून दुआएं बहुत जामे है, इसको हम हल्का ना ले, हर मस्नून दुआओं में अल्लाह ने अजीब तासीर अजीब ताकत छुपा के रखी है। एक 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 मुरीद ने अपने पीर साहब से कहा कि हजरत मुझे कुरान पाक की तिलावत की तौफीक नहीं मिल रही। अल्लाह वाले होते हैं, इन्होंने कहा भाई तेरी जो है वुजू से पहले की दुआ छूट रही है। उन्होंने कहा हजरत मैं पढ़ लेता हूँ, तो ठीक है काम कर, जब कुल्ली करा करे तो कुल्ली की दुआ पढ़ लिया कर। अब उसने जब वुजू करने बैठा तो हकीकत में वो वुजू के पहले की दुआ भूल जाता था, तो वुजू से पहले की दुआ भूलने का असर कहां पड़ रहा है बोलो, कैसा अमल कुरान पाक की तिलावत का अमल छूट रहा है। ये दुआएं बताई गई मामूली नहीं है मेरे भाइयों, बहुत जामे दुआएं हैं, इन दुआओं को याद कर कर अपनी जिंदगी में लावे। एक अल्लाह वाले एक आदमी आया कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है जरा दम कर दे, वो अल्लाह वाले जो है बैतुल खला से बाहर निकले थे, तो उस वक्त की दुआ गुफरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, अब दुआ पढ़ के दम कर दिया उस बच्चे को अच्छा हो गया। इनका मामूल था जिस मौके की जो दुआ होती थी वो दुआ पढ़ के जो भी जो तकाजा लेके आता उस पर दम कर देते, अल्लाह पाक इसका काम आसान कर देते, इतनी जामे दुआ ताकत है। अब देखो आदमी फारिग होकर आया तो क्यों माफी मांगी गई, गुफरान का क्यों कहा गया, कहा इतनी देर जिक्र से गफलत हुआ तो जिक्र नहीं कर सकते हम, इसके भी माफी मांगी गई, यानी इतना वक्त हमारा कीमती है। और मेरे भाइयों एक टाइम ये वक्त जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारी जाएगी उसका अफसोस तो जन्नत में भी होगा, जन्नत में किसी चीज का अफसोस नहीं है, किसी चीज का नहीं, लेकिन उस घड़ी का अफसोस होगा जो घड़ी दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारी होगी। इसलिए मेरे भाइयों इन दुआओं का अहतमाम किया जाए, मस्तून दुआएं खाने से पहले की खाने के बाद की अरे घर में जाने की घर से निकलने की, ये जो दुआएं बताई जा रही हैं
ये दुआएं बहुत अपने अंदर ताकत रखी हुई है, इन दुआओं की खूब पाबंदी की जावे, इसके जरिए बहुत नफा होगा। और फिर फरमाया मेरे भाइयों, हमारी पूरी जिंदगी सुन्नत वाली बने, सुन्नत का अहतमाम। मौसी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जब ये उम्मत सुन्नत की पाबंद बन जाएगी, पूरी दुनिया का निजाम इनके मातहत होगा। सुन्नतों में अजीब अल्लाह ने निर्धारित रखी है, सुन्नतों में हमारे नबी का रूहानी पावर है, सुन्नत हमारे नबी ने जो काम किया वो सुन्नत है। अब जो सुन्नतों का इस्तेमाल करते हैं, कहा नबी की रूहानियत का पावर उसको अल्लाह का तक्का फरमाएंगे। सुन्नतों को सुन्नत समझ कर न छोड़े, हमारी पूरी जिंदगी उठना बैठना खाना पीना सुन्नत के मुताबिक बन जाओ, सुन्नतों वाली जिंदगी हो। और मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ी कसर, इसलिए कहते हैं तहज्जुद अंबिया अलैहिस्सलाम पर फर्ज थी। हम अल्लाह का काम करते हैं, नबियों वाला काम करते हैं, तो हमारे काम करने वाले साथी अपने पर तहज्जुद फर्ज समझे। अल्लाह वाले कह रहे हैं कि अपने पर तहज्जुद फर्ज समझना, तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने दुआओं का खूब एहतमाम हो। आज मेहनत खूब हो रही है लेकिन दुआओं का एहतमाम नहीं है, इसलिए कहा वक्त निकालकर दुआओं का एहतमाम किया जावे, अल्लाह से मांगा जावे, अपनी मेहनत को अल्लाह से कबूल करवावे। असल तो मेरे भाइयों कबूलियत है, अगर कबूल नहीं होगा तो क्या होगा? शैतान ने कितनी इबादत की लेकिन मर्दूद हो गया, अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया इसकी इबादत, इसके सजदे ने इसको कोई नफा नहीं पहुंचाया। अरे नफ्स और शैतान हमारे खुले हुए दुश्मन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांगा है जिसका खुलासा मफहूम है, ए अल्लाह पलक झपकने के बराबर तू हमें नफ्स के हवाले न फरमा। अमाइला साहब रहमतुल्लाह ने इस दुआ को बहुत कसरत से पढ़ते थे, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत अयन। अमाइला साहब रहमतुल्लाह ने भी इस दुआ को बहुत कसरत से पढ़ते थे, अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी हमें तू नफ्स के हवाले न फरमा। का नफ्स और शैतान से बचने का किला क्या है? काए मामूला की पाबंदी, तस्बीहा जिक्र की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी। ये जो अमल बताए जा रहे हैं आठ इंफरादी अमल, ये आठ इंफरादी अमल नफ्स और शैतान के बचने से बचने का किला है। रोजाना फजाइल अमल की किताब का मुताला, इंफरादी मुताला। इन बातों की जब पाबंदी होगी अल्लाह पाक हमारी तरबियत करेंगे, हमें अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, फिर हमारे काम मेरे भाइयों दुआओं से बनेंगे। अक्सर कह रहे अभी कल हमारे साथियों में दुआओं की बहुत कमी है। साथियों को तो दुआओं का अहतमाम करें, इसलिए हमारा मजमा कुछ वक्त तय करके निकाल कर अल्लाह से दुआओं का खूब अहतमाम किया जावे, अल्लाह से मांगा जावे। का दुआ सारे इबादतों का लंबे लुबाब है, सारी इबादत का मकस दुआ है। दुआओं के जरिए आदमी बहुत कुछ अपनी मुकद्दर भी बदल सकता है, दुआओं के जरिए। दुआओं में अल्लाह ने ताकत छुपा के रखी है, इसलिए मौलाना पालम बिन हमजा फरमाते थे, जहां दावत का दाल मिला और जहां दुआ का दाल मिला वहां दुनिया की कोई दाल नहीं कर सकती। जहां दावत का दाल मिला और जहां दुआ का दाल मिला वहां दुनिया की कोई दाल नहीं कर सकती। अभी सिर्फ हमारे साथ दावत का दाल है, दुआ का दाल नहीं है। दुआ के दाल की जरूरत है अभी, दावत तो बहुत दे रहे हैं माशाल्लाह, दावत का दाल है, दुआ का दाल नहीं है, जिसके बुनियाद पर हमारी दुनिया की दाल। इसलिए तय करें, अजाइम करें कि इंशाल्लाह रोजाना पाबंदी के साथ, अल्लाह वाले कहते हैं आधा घंटा यकसुई के साथ एक बैठक में दुआएं मांगी जावे, इन दुआओं पर अल्लाह पाक अपना ताल्लुक नसीब फरमाएंगे। गजवे बदर में क्या हुआ? गजवे बदर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने रोए हैं। कैसा रोए? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पीछे है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ यहाँ तक चले गए, ए अल्लाह तू फैसला कर दे। अबू बकर सिद्दीक कह रहे अल्लाह के नबी बस करें, अल्लाह के नबी बस करें, अल्लाह पाक आपकी बात सुन लेंगे। चादर कंधे पर से नीचे उतर जाती है, अबू बकर सिद्दीक चादर डालकर इनको इत्मीनान दिला रहे हैं,
जब तक जिब्राइल अलैहि सलाम न उतरे, 5000 फरिश्ते न उतरे, वहां तक आकाश वास्तव में अपने दुआ के हाथ पीछे नहीं खींचे। इसलिए भाइयों, हम खुद दुआओं का अहतमाम करने वाले बने। कम से कम आधा घंटा रोजाना यकसुई के साथ अल्लाह के सामने मांगा जावे, अपने आप को साथियों का नाम लेके दुआएं की जावे, अपने हालातों को अल्लाह के सामने रखा जावे, इस पर अल्लाह पाक कबूलियत फरमाएंगे। इसलिए हमारा पूरा मजमा नियत करें कि इन बातों की इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे भाई, करेंगे इंशाल्लाह पाबंदी के साथ, अपनी जिंदगी के मामूलात बनावे, जैसे खाना पीना हमारी जरूरत की चीजें हैं, कैसी पाबंदी के साथ कर रहे हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता खाना खाओ। जैसे भूख लगती है ऐसे हमें भूख लगे कुरान पाक की तिलावत की, हमारा दिल तरस रहा हो मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए, तस्बीह के लिए हमारा दिल तरस रहा हो, खाने पीने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, ऐसे इसका दिल अंदर से कुरान पाक की तिलावत ना हो उस वक्त इसका दिल अंदर से बेचैन हो जावे, इसको नींद ना आनी चाहिए जब तक कि अपने मामूलात पूरा ना करे। इसलिए भाइयों, हम जो है माशाल्लाह दावत और मामूलात की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे, बहुत बड़ी खैर का जरिया बनेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अभी मौका है हमारे तमाम साथी तस्बीहात पढ़े, दुआओं में लगे माशाल्लाह, और हमारा पूरा मजमा तय करें कि मगरिब बाद की बात होगी, पूरा मजमा जम कर बैठे, इंशाल्लाह बहुत नफा होगा भाई। मशवरे से एक बात तय हुई थी, फर्स्ट जोन के तीन तीन साथी हमने तय किए थे, जिनको पिंडा के अंदर बात थोड़ी होने के बाद के अंदर तस्वीर के मौके के ऊपर नाम लिखना है। ये तीन तीन साथी जिसका भी तय हुआ है अभी दुआ के बाद के अंदर आगे आ गया है। मरकज के तीन साथी कौन है? अजीज हकीम आमिर और सिराज भाई चला गए। नूतन नगर के तीन साथी हमारे अब्दुल मतीन एजाज और मोहम्मद अली भाई, चलो वो भी आ गए। मस्जिद उस्मान के भाई उस्मानी फ्रॉम के तीन साथी आ जाओ, तीन साथी आगे आ गए।